मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। जो ये पेंसिल की जो नोक पे आप ये मूर्ति देख रहे हो, ये श्री भगवान राम जी की है। और इसका बनाने का जो मैं पीछे का जो उद्देश्य है कि 22 जनवरी को हमारे रामलला अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो उस उपलक्ष्य में कई ऐसे कलाकार भी है, कई ऐसे वक्त भी जो अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो मैंने भी मन में सोचा कि क्यों नहीं अपन भी एक विशेष कार्य किया जाए। वो विशेष कार्य इसलिए था क्योंकि ये पेंसिल की नोक है, वो पेंसिल की नोक पर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो पेंसिल की जो एक कलर होता ना, ये भी एक सांवला जैसा कलर होता है, और हमारे प्रभु श्री राम जी का ये कलर भी एक सांवला जैसा कलर था। और इसको मुझे बनाने में मुझे करीब 5 दिन का समय लगा, और इसकी जो हाइट है मात्र 1.3 सेंटीमीटर है। तो एक भगवान की कृपा ये जो बिना टूटे मेरे से बनी है ये अपनी बात। अयोध्या में मूर्ति बनने से पहले एक अखबार में आई थी और न्यूज़पेपर में आई थी कि राम जी की छवि कैसे होनी चाहिए, बड़ी बड़ी आंखें, शंख जैसे गला होना चाहिए, मुखड़ा भी सुंदर होना चाहिए, बाल बड़े घुंघरू वाले होने चाहिए। तो उस आधार को देखते हुए भी मैंने भी मन में छवि बनाई कि क्यों ना इस प्रकार से मूर्ति बनाई जाए कि श्री राम प्रभु एक सुंदर सा रूप लेके और मेरी मूर्ति और पेंसिल में निखार के रूप में आए। बिल्कुल विश्व की सबसे छोटी मूर्ति है, और इसको मैं राम म्यूजियम के अंदर रखवाने के लिए मैं बात की जा रही है, वहीं जो ट्रस्ट है उसको मैं भेंट करूंगा। और इसको यूट्यूब में मैंने देना सर्च किया ना, तो पेंसिल की नोक पे श्री राम जी की मुझे मूर्ति कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसके बाद मैंने ये प्रेरणा मैंने मिली।